नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइन। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड पर बनी सब्जी मंडी में पहुंचा कोरोना, मार्केट कमेटी का कर्मचारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ में कोरोना का प्रकोप जारी, 38 नए मामले सामने। पीयू में 1 सितंबर से शुरू होगी पीजी यूजी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस। यूएपीए कानून पर पंजाब में सियासत गहमा गहमी। अमरिंदर व सुखबीर बादल का एक दूसरे पर हमला। सोनीपत में 2 पुलिस कर्मियों की हत्या, पुलिस पर आरोप, गिरफ्तार की गई युवतियों के साथ किया रेप। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में पार्टी के 6 कार्यालयों का किया उद्घाटन। हिमाचल में कैबिनेट विस्तार, राकेश पठानिया, सुखराम चौधरी और राजेश गर्ग ने मंत्रिमंडल की शपथ ली। सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के मामले में एससी ने मना किया, कहा अगर कोई भी ठोस दलील है तो एससी के सामने रखे। हार्दिक पांड्या बने पिता, नताशा ने बेटे को दिया जन्म। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी समेत 16 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने सरकारी निवास किया खाली, अब प्राइवेट फ्लैट लेकर रहेंगी। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 की सब्जी और फल मंडी में कोरोना वायरस पहुंच गया है। मंडी में तैनात एक मार्केट कमेटी के कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जब से इस कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तब से मंडी में अफरा तफरी मची हुई है। कॉलेजों के साथ साथ विश्वविद्यालय कैंपस और क्षेत्रीय केंद्र के लिए सभी यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के में चल रही कक्षाओं की शुरुआत 3 अगस्त से ऑनलाइन माध्यम से, और सभी यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों यानी नए प्रवेश के प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास 1 सितंबर से शुरू हो सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल धमकी न दे, वह पंजाब के नौजवानों को पुलिस के खिलाफ भड़काकर अलगावादी ताकतों के हाथों की कठपुतली न बनाए। उधर सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया। गुहाना के बुटाना गांव में गश्त करने के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी युवतियों के साथ रेप किए जाने का आरोप लगाया है। आरोप किसी अन्य पर नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों पर है। मामले में कार्रवाई करने के लिए पीड़िता की मां ने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को पीड़िता युवताओं का मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार में 1 साल बाद कैबिनेट विस्तार हो गया है। शिमला में गुरुवार को राजभवन में 11:15 पर 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कनाडा में नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, सिरमौर के पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी और घुमारवी से राजेंद्र गर्ग ने मंत्री पद की शपथ ली है। सुशांत सिंह मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जनहित याचिका दाखिल करने वाली याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा, मामले से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी अगर आपके पास कहने के लिए कोई ठोस बात है तो उसे मुंबई हाईकोर्ट में रखिए। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने बेटे को जन्म दिया है। सर्बियाई डांसर अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक पिछले कुछ दिनों से अपनी प्रेगनेंसी फेज को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, जहां पर हर कदम पर हार्दिक पांड्या उनका साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।